दोस्तों आप खुशकिस्मत हो अगर लोग आपको कहते हैं कि क्या सारा दिन पागलों की तरह YouTube के पीछे पड़े रहते हो। दोस्तों मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप खुशकिस्मत हो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आप लोग कहते हैं कि यार आप अपनी स्टोरी सुनाओ, तो मैं चलो थोड़ी बहुत आपको स्टोरी हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी सुनाता रहूँगा। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसा ही कहते थे, क्यों कहते थे, पागल पागल कहते रहते थे, पागलों की तरह सारा दिन YouTube के पीछे पड़े रहते हो, तुम्हें ना सब्जी की रेडी लगानी पड़ेगी एक दिन, यानी कि क्योंकि मुझे 1.5 साल लगा ना 1000 सब्सक्राइबर करने में। तो ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, सुनता रहा आज 1 लाख महीने का कमा रहा हूँ। अगर वो बातें ना सुनता तो शायद इस मुकाम पे ना होता। तो अगर आप भी ऐसी सुन रहे हैं बातें तो आप सिर्फ ग्रो नहीं करोगे, ये ग्रो करना बहुत छोटी चीज़ है, आप हज़ारों नहीं लाखों यूट्यूब से कमाओगे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपको पागल पागल कह रहे हैं और कह रहे हैं आप पागलों की तरह सारा टाइम वेस्ट करता रहता है। अब मुझे क्यों कहते थे, मैंने दोस्तों एक ऐसी चीज़ कर दी थी कि आप लोग हैरान हो जाएंगे, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। हालांकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अच्छे नंबर आते थे, मैट्रिक में भी अच्छे नंबर आए और मेरी स्कॉलरशिप भी लग गई थी, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थोड़ा डाउन हो गया, मेरे आई थिंक 50% मार्क्स आए और थर्ड ईयर में मैं फेल हो गया। अब क्या हुआ कि मैंने सोचा कि यार दोबारा करूँगा, 4-5 साल लगेंगे, तो अब क्या करता हूँ मैं कि मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। मैंने पढ़ाई छोड़ी, अब घर वाले कहें, रिश्तेदार कहें, अब उनको तो मैट्रिक वाला बस नज़र आ रहा था ना, इसरार के अच्छे नंबर आए, स्कॉलरशिप लग गई, ये हो गया वो हो गया। तो अब जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हुआ वो तो अब बताया नहीं था रिश्तेदारों को कि क्या हाल हुआ है, थर्ड ईयर का तो बिल्कुल नहीं बताया। अब सारे कहें क्यों छोड़ दिया, तो मैंने कहा यार मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, अब इस पर ही मैं काम करूँगा। अब यूट्यूब पर अब आप सोचो कि 1.5 साल लगा 1000 सब्सक्राइबर करने में, तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि पढ़ाई छोड़ के मैं इस काम की तरफ आया तो मैंने कितना प्रेशर बर्दाश्त किया होगा। आप खुद सोच सकते हो कि पीछे घर वाले भी कहते थे, मेरे भाई कहते थे मुझे कि सरारा तेरा यूट्यूब चैनल जेड़ा ना तो पीछे पै गया, नहीं चलना, तेनों सब्जी दी रेड़ी लानी पैनी है। तो मैं कहता था कोई बात नहीं यार, लगा लूँगा, खैर है, कोई नहीं, उस काम को ही आगे लेके जाएंगे। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि शुरू से ना, वैसे मैं आपको सच बताता हूँ, जो भी मतलब लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना उनको पता है, तो मेरी शुरू से ना एक ही सोच थी कि यार मैंने ना लाखों में जाना है, बस ये थी, बस अल्लाह ताला की तरफ से ही थी। हो सकता है आपके जहन में भी हो, आप YouTube पे अगर आए हैं, क्योंकि मैं दूसरे लोगों की वीडियोस देखता था ना तो मेरे जहन में आता था यार लाखों कमाने हैं, लाखों तो अल्लाह ताला ने पहुंचा ही दी है लाखों में, तो आगे आगे इंशाल्लाह और कमाएंगे, फिर आप लोगों को तरीका बताएंगे कि कैसे कैसे मतलब मैं आगे ग्रो करता जा रहा हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इस चीज़ का मुझे कैसे फ़ायदा हुआ, अगर ये चीज़ मेरे पीछे ना होती तो शायद कि मैं YouTube छोड़ देता, कब का छोड़ देता, तो ये चीज़ों ने मुझे आगे पहुँचा दिया। अब सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये क्लियर करता हूँ कि आप खुशकिस्मत कैसे हो। दोस्तों अगर आप YouTube के पीछे सच में पागल हो, इसी वजह से तो लोग आपको कह रहे हैं कि आप YouTube के पीछे सारा दिन पागल हुए रहते हो। दोस्तों जो बंदा YouTube के पीछे पागल हो जाता है ना, ठीक है, यानी कि पागलों की तरह YouTube के पीछे पड़ा रहता है, मतलब कभी क्या कर रहा है, कभी वीडियो डाल रहा है, तो आप यकीन मानो मैं अपना आपको बताता हूँ कि मेरे साथ एक दफ़ा घर में रिश्तेदार आए हुए, मोबाइल मेरे पास एक पुराने मॉडल का था, सिग्नल अंदर आते नहीं थे, कभी मैं उसको छत पर लेके जाता, कभी नीचे, क्या हुआ कि बैटरी लो हो गई और 1% या 2% रह गई और जो वीडियो थी वो तकरीबन 80% या 90% चली गई थी, थोड़ी सी रह गई थी। उस टाइम पे आते 50-100 व्यूज़ थे मेरे, लेकिन यह कि एक जोश था, मैं दौड़ के आया छत से नीचे, तो दरवाज़ा था एंट्रेंस का, ठीक है, जब मैं एंटर हुआ ना दरवाजे में इतनी ज़ोर से मेरा पाँव लगा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा खून निकल रहा है और मैं चल रहा हूँ इतने ज़्यादा खून के छींटे गिर गए और मैं सिर्फ चार्जिंग की तरफ मेरा ध्यान है कि यार वीडियो सारी बैक हो जाएगी, यार अब क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो बस मैं चार्जिंग पर लगा रहा हूँ, तो मेरी अम्मी ने मुझे तेरे पाँव में खून निकल रहा, मैंने कोई, तो मेरी अम्मी ने वो गीली पट्टी करके बांधी। तो उस टाइम मुझे कहता है यार क्या तू पागल हो गया, मतलब अपने पाँव, मैंने कहा खैर है कुछ नहीं होता, वीडियो मेरी बच गई है। तो उस टाइम पे मुझे नहीं ना पता था कि ड्राफ्ट में वो चली जाती है अगर बंद भी हो जाए, मैं समझा ये तो अब सारा बैक हो जाएगा, पहले 2 घंटे लगा के इसको अपलोड किया, सिग्नल नहीं ना आते थे, मोबाइल ही अच्छा नहीं था, तो इस वजह से कहते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि मोबाइल चार्जिंग पे लगाया हुआ था, है ना, तो मेरी अम्मी को कपड़े उठाने लगी अम्मी मेरी, तो क्या हुआ कि मोबाइल नीचे गिर गया और मोबाइल था सैमसंग S4, उसका टच टूट गया, मैंने सेकंड हैंड उसका टच डलवाया था, वो टूट गया। उसके बाद मेरे पास कोई मोबाइल भी नहीं था और पैसे भी इतने नहीं थे, मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत कम पैसे मेरे पास होते थे, पैकेज लगाने के पैसे नहीं होते थे, मैं अपने कज़न के पास जाता था, वहाँ पर उसका उसने किसी मोबाइलों वालों से वाईफाई का कोड लिया हुआ था, कुछ पैसे 100-200 देता था, तो मैं वहाँ पर जाके वीडियो अपलोड करता था, तो 12-12 1-1 बज जाता था, बहुत स्लो था वाईफाई। ये तो बाद में अल्लाह ताला ने पैसे दिए, बरकत डाली और मतलब
ये फिर मैं पैकेज लगाने लग गया सिम पे, तो इसी वजह से मुझे कहते यार पागल है, रात के 12-1 बजे तक उधर बैठा रहता, घर टाइम पे आ जा कर, ये हो जाओ, समझ गए आप। तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करते करते हुआ क्या कि एक दिन ऐसा आ गया कि मैं YouTube पे लाखों में पहुंच गया, और अब सारे लोग तारीफ करते हैं। अब वो जो रिश्तेदार मुझे पागल पागल कह रहे थे, वो सर अब कहते हैं वैल्यू है, टाइम मांगते हैं, सर मुझे टाइम दे दें। अब एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आप खुशकिस्मत क्यों हो, क्योंकि आप सच में पागलों की तरह पीछे पड़े हुए हो YouTube के, और जो पागलों की तरह YouTube के पीछे पड़ता है वही कामयाब होता है। वरना मैंने अपने कई दोस्त मुझसे ज़्यादा समझदार, मैच्योर, अक्लमंद देखे हैं, 600-700-500 सब्सक्राइबर पर छोड़ देते हैं। मैं क्यों लगा रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा पागल दिमाग का था, मैं चाहता था पागलपन ही हो तो फिर ही कामयाबी मिलती है, अगर लॉजिक ये वो सारी चीज़ें मैं देखूं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये सक्सेस है। दूसरी, जब ये लोग दोस्तों आपको कहते हैं ना क्या पागलों की तरह YouTube के पीछे पड़ा रहता है, वो तेरे से नहीं होना, तू रहते बड़ा कमा लेगा पैसे, ऐसी बातें करते हैं ना यार, छाड़ देना तू काम कर, मुझे ये कहते थे कोई लैंग्वेज सीख लो, ये कर लो वो कर लो, मैं कहता था नहीं मैंने कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी, मैंने कोई कोर्स नहीं करना, मैंने YouTube से ही पैसे कमाने, मैं आज़ाद रहना चाहता था, मैं किसी की मतलब ऐसे नौकरी का मुझे मतलब कर ली थी ना एक दफ़ा नौकरी, तो मुझे पता चल गया था बड़ी बेइज्जती होती है, टाइम पे जाना पड़ता है, छुट्टी कर लो पैसे काट लेते हैं, मतलब एक गुलामी टाइप सा मुझे लगता था, ज़रा आप लोगों को भी लगता होगा बंदा मजबूरी में फिर कर लेता है, तो खैर मुझे लगता था कि नहीं यार YouTube पे ही काम करना है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो था, बड़ा डर लगता था कैमरे के सामने आते आते, मैंने आपको बताया कि मुझे 20-25 दिन लग गए थे कि मैं कैमरे के सामने आते आते ही वीडियो लिखी, रट्टा लगाया, ये किया वो किया, फिर जाके बनाई और मतलब नॉर्मल सी बनी वीडियो। तो अब अगर आप देखें कि उस टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें ना करता तो क्या होता, कभी भी YouTube पे सक्सेसफुल ना होता। और ये जो लोग पागल कहते हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है कि अंदर से एक आग लगती है बंदे को, एक जुनून चढ़ता है कि यार पहले तो पता नहीं मैं करता या ना करता, मैं करके दिखाऊंगा इनको। ये क्या समझता है कि मैं YouTube से पैसे नहीं कमा सकता, वो देख इसरार नहीं कमा रहा, वो पहले जीरो ही था, 1.5 साल बाद जाके 1,000 हुए, फिर 2-2.5 साल बाद उसका चैनल डेड हो गया, फिर उसने मेहनत की, अल्लाह ताला से मांगा, फिर उसका चैनल अप हुआ, अब जाके वो लाखों में कमा रहा है। अगर मैं पढ़ रहा होता तो मैं 3 साल बाद 1 लाख रुपये पर मंथ ऐसे कमा सकता था जैसे मैं इंजॉय से कमा रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से वीडियो बनाता हूँ, ना बनाऊँ तो मुझे पूछने वाला नहीं है। तो आज मैं 15वीं में होता तो मैं लाख कभी भी ना कमा रहा होता, मेरे साथ के दोस्त कोई भी लाख रुपए नहीं कमा रहा महीने का, तो मैं सबसे ऊपर निकल गया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी, नवाज दिया। लेकिन ज़ाहिर अल्लाह ने जब कुरान में कहा है कि इंसान को वही कुछ दिया जाता है जिसकी वो कोशिश करता है, तो मैंने कोशिश की, मेरी कोशिश थी लाखों में जाने की और अल्लाह ताला ने दे दिया। तो आप भी ये सोच रखें, जब आपको लोग पागल कहें, यार पागलों की तरह पड़ा रहता है या तो कामयाब नहीं हो सकता, फिर अंदर से जुनून आपको आएगा। वो जो जुनून है वो परेशानी में ना लगाएं, बैठ ना जाएं यार क्या है, नहीं उठें, वीडियो बनाएं, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं इतनी बातें सुना रहा हूँ, अब मुझे नहीं आइडिया कि पता नहीं कौन इसका क्या मतलब लेगा क्या नहीं लेगा, लेकिन एक बस पागलपन है, वीडियोस डाल रहा हूँ। अब तो मैंने बहुत आगे बड़ा प्लान कर रखा है कि अब डेली के एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि यार आपकी वीडियो 24 घंटे तक तो मोटिवेट रखती है, हम चाहते हैं कि आपकी वीडियो 2-2 घंटे बाद आती रहें, तो इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा क्योंकि कॉल सेशन भी है, आप लोगों ने कॉल इतनी ज़्यादा बुक कर ली है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हाँ उनका मैं बताने लगा था आपको, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कॉल बुक कर रहे हैं वो पूछते हैं हम कैसे करें, तो पाकिस्तान से काफ़ी लोग करवा रहे हैं अपनी फैमिली से कह के, तो आप इस तरह करवा सकते हैं, तो खैर उसका भी इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, इधर वीडियो का टाइम, इस ऑफिस में हमारा ड्राइविंग सेंटर आपको बताया हुआ है, यहाँ पे इतना टाइम, तो अब एडजस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों की ये जो है ना डिमांड के आप लोग चाहते हो, मतलब ज़ाहिर आप फैमिली हो मेरी, तो आप चाहते हो कि यार आपकी 2-2, 3-3 घंटे बाद वीडियोस आती जाएँ और हम देखते रहें, मोटिवेट हमें जुनून रहे, वीडियोस डालते रहे, हम हमारा भी चैनल ग्रो हो जाए, तो ये इंशाल्लाह इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो खैर दोस्तों, फाइनली आप समझ गए होंगे कि आपने लगे रहना है, लोग तो आज नहीं तो कल बोलते ही रहेंगे, लोग तो अभी भी मुझे बातें करते हैं, लेकिन लोगों का काम है बातें करते रहना और आपका काम है वीडियोस बनाते रहना, तो वीडियोस बनाते रहिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।